लौकी की अलग अलग वेराइटी है। लौकी ये देख रहे हैं गोल लौकी है, एक यही वेराइटी है नरेंद्र शिवानी जो सबसे लंबी होती है। तो ये जो गोल है इसका नाम है नरेंद्र माधुरी। नरेंद्र इसलिए कि ये आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है। 2007 में इसको प्रोफेसर एसपी सिंह ने विकसित किया। इस लौकी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका उत्पादन लगभग प्रति हेक्टेयर 1000 क्विंटल तक है और इसमें मिठास है क्योंकि इसमें THS अच्छा है। इस वजह से इसको खाने में लोग काफ़ी पसंद करते हैं, लंबी लौकी की अपेक्षा इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। नाम इसका नरेंद्र माधुरी है। इस प्रजाति को डॉक्टर शिवपूजन सिंह सर ने 2007 में विकसित किया। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि गोल शेप की प्रजाति है और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हाई TSS होने की वजह से इसकी मिठास ज़्यादा अच्छी होती है और एवरेज फ्रूट वेट और नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा होने की वजह से प्रति हेक्टेयर उपज 1000 क्विंटल तक बढ़ जाती है। तो हमारे किसान भाई, क्षेत्र के अकॉर्डिंग कुछ जगह लंबी प्रजातियाँ पसंद की जाती हैं, कुछ जगह गोल प्रजातियाँ पसंद की जाती हैं। तो लौकी में गोल प्रजाति में हाइब्रिड के कंपेयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक है। अच्छा, लौकी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके वजह से इसमें कूलिंग इफेक्ट अच्छा होता है, इसलिए गर्मी में इसको लोग प्रिफर करते हैं। ये प्रजाति मिड जुलाई से अगस्त तक लगाई जाती है और टोटल 120 से 130 दिन में क्रॉप हार्वेस्ट करने लायक हो जाती है। अच्छा, ये इसकी मिठास क्यों पाई जाती है? एक्चुअली जितनी लौकी की प्रजातियां हैं उसमें नरेंद्र माधुरी में TSS की मात्रा ज़्यादा होती है। जब ये एडिबल मैच्योरिटी स्टेज पे होती है, इसलिए इसमें जब इसके हम सब्जी बनाते हैं या ऐसे भी हम प्रेफर करते हैं तो इसमें मिठास ज़्यादा होती है। अच्छा, प्रति पौध है इसकी उपज ज़्यादा होने की वजह होता है कि नंबर ऑफ पौध फल की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। 10 से 15 फल हमारे प्रति पौध इसमें आते हैं। जनरली जो लौकी प्रजातियां हैं उसमें 5 से 7 पौध फ्रूट तक ही आते हैं, लेकिन नरेंद्र माधुरी का विकास ही इसी वजह से किया गया था कि नंबर ऑफ फ्रूट इसमें ज़्यादा हैं और उपज बहुत ज़्यादा आती है। लगभग 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज इसमें आ जाती है। इसलिए हमारे पूर्वांचल में किसान भाई इस प्रजाति को प्रमुख रूप से खेती में प्रयोग कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। तो उस पे मचान विधि से इसकी पैदावार और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ज़मीन के संपर्क में जब कोई फसल आती है तो उसमें तमाम सारे इंसेक्टिसाइड प्रभावित करते हैं। इस वजह से उस फसल पे हमें छिड़काव करना पड़ता है, किसान की फसल लागत बढ़ती है और उत्पादन पे भी असर पड़ता है, लेकिन इस तरीके से उत्पादन अच्छा हो जाता है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, अयोध्या। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।